रीवा में इन दिनों अमृत योजना के तहत जिले के तालाबों को नया जीवन देने का कार्य किया जा रहा है। तालाबों को संरक्षित करने सहित उनका सौंदर्यीकरण भी कराया जा रहा है। तालाबों में चल रहे अमृत योजना के तहत कार्यों का निरीक्षण प्रभारी आयुक्त नगर निगम सौरभ सोनवड़े ने किया। तालाबों की मेड़ में हो रहे अतिक्रमण को लेकर उन्होंने कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने अमृत 2.0 परियोजना के तहत कुबेर तालाब एवं झलबद्री तालाब का जायजा लिया। तालाब के सौंदर्यीकरण से जुड़े कार्यों की जानकारी भी ली। अधिकारियों को निर्देशित किया कि पौधारोपण के कार्य सहित आम नागरिकों के बैठने के लिए बेंच कुर्सी की व्यवस्था बनाई जाए, साथ ही तालाबों के आसपास फैले अतिक्रमण को हटाया जाए। इसमें एक अमृत योजना के अंतर्गत दो तालाब जो हमारे जलपद्री तालाब है और कुबेर तालाब, इसके काम चल रहा था, उसी के निरीक्षण के लिए हम लोग गए थे। तो उसमें ऑन द वे जो भी दोनों साइड में अभी नई कुछ इंक्रोचमेंट सामने आ रही है, नए स्ट्रक्चर्स रखे जा रहे हैं, तो उनको चिन्हांकित करके उन पर विधिवत कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो उसमें सभी में कल हमारा ये डिसीजन हुआ है। कुछ हमारे तालाब जो है वो लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, तो ऐसे प्रायोरिटी में ऐसे केसेस को जवाब लगाकर हाईकोर्ट से स्टे खारिज करवाने का प्रयास रहेगा, ताकि हमारे प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो सके। और दूसरा जो इंक्रोचमेंट जहाँ जहाँ हो रही है वो भी सभी जोर व्यापारियों को हमने बताया है, तो चिन्हांकित करें और उसमें विधिवत कार्रवाई, बारिश को मध्य देने का रखते हुए फिर हम उचित कार्रवाई करते हैं।